New routines, new rules. So in the last video, we discussed what was the education system prevailing in India before Britishers, and there we read about the Pathshalas. And now in this video, we are going to see that how Britishers brought changes in the Pathshala system. So up to the mid-19th century, the company was concerned primarily with higher education. So 19th century ke mid tak, matlab ki lagbhag 1850s tak, जो कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो इंडिया में सिर्फ हायर एजुकेशन को लेके चिंतित थे। मतलब कि वो सिर्फ जो हायर एजुकेशन है, मतलब यूं कहीं 12th के बाद वाली जो एजुकेशन होती है ना, तो या यूं कहीं 10 से लेके 12th और जो ग्रेजुएशन वाला सिस्टम है उस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे थे। वो लोअर क्लासेस पे इतना ज्यादा फोकस नहीं कर रहे थे। सो इट अलाउड द लोकल पाठशालास टू फंक्शन विदाउट मच इंटरफेरेंस। अब क्योंकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनका फोकस सिर्फ अभी हायर एजुकेशन पे था, तो उन लोगों ने क्या किया कि जो पाठशालाज वगैरह चल रही हैं उनके काम में इंटरफेयर नहीं किया, उनमें मतलब कि कोई भी चेंजेस लाने में ध्यान नहीं दिया। आफ्टर 1854 द कंपनी डिसाइडेड टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ वर्निकुलर एजुकेशन। बट 1854 के बाद क्या हुआ, अब कंपनी ने ये डिसाइड किया कि वो वर्निकुलर एजुकेशन में चेंजेस लाएगी। वर्निकुलर एजुकेशन क्या होता है कि जो लोकल लेवल पे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वर्निकुलर का मतलब मेनली होता है लोकल, राइट? तो लोकल, लोकली जो बच्चे एजुकेशन ले रहे थे तो उस सिस्टम में अब वो चेंज करने की सोच रहे थे। इट फेल्ट दैट दिस कुड बी डन बाय इंट्रोड्यूसिंग ऑर्डर विद इन द सिस्टम, इम्पोजिंग रूटीन्स, एस्टैब्लिशिंग रूल्स, इंश्योरिंग रेगुलर इंस्पेक्शंस। तो अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि किस तरीके से अब वर्निकुलर एजुकेशन को चेंज किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि वर्निकुलर एजुकेशन को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नए ऑर्डर्स इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे, नए तौर तरीके इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे पूरे सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में नए रूटीन्स इम्पोज करने पड़ेंगे कि मतलब लोगों को बताया जाए कि आपको सिर्फ ये रूटीन फॉलो करना है, ऐसे 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 करके सारी चीज़ें करनी है, उन्हें बताया जाए, रूल्स इस्टेब्लिश करे जाएं, ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, इस तरीके से रूल्स वो लागू करें और रेगुलर इंस्पेक्शंस इंश्योर करें कि रेगुलरली कोई इन एजुकेशन सिस्टम्स में जाके देखे कि सारा काम सही से हो रहा है या नहीं, सारे रूल्स जो है वो सही से फॉलो हो रहे हैं या नहीं, तो इस चीज़ को लेकर इंस्पेक्शंस रेगुलर हों। तो कुछ इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम इन चीज़ों को फॉलो करके चेंजेस लाएंगे। बट आखिर ये चेंजेस कैसे लाए गए, उन्होंने सोच तो लिया कि हम ये करेंगे, बट ये हुआ कैसे, किस तरीके से कंपनी ने जो वर्निकुलर एजुकेशन सिस्टम है उसे चेंज किया। इट अपॉइंटेड अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित्स, ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल्स। तो जो कंपनी है उसने क्या किया कि गवर्नमेंट के अंदर जो कुछ पंडित्स वगैरह काम कर रहे थे, उनको हर एक पंडित को क्या किया कि लगभग 4 से लेके 5 स्कूल्स उसके अंडर दे दिए गए कि हर एक पंडित जो है अब 4 से लेके 5 स्कूलों की देखरेख करेगा। द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालास एंड ट्राई एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग। अब इन पंडितों का काम क्या था, इनको ये काम दिया गया था कि ये पाठशालास में जाएं और उनका जो स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग है उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करें, वहाँ पे नए तौर तरीके जो है वो इम्पोज करने की कोशिश करें। Each guru was asked to submit periodic reports and take classes according to a regular timetable. तो जो पाठशालाएं चल रही थी उन्हें कौन चला रहा था, एक गुरु चला रहा था, एक टीचर चला रहा था। तो क्या हुआ कि अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, जो कंपनी है उसने क्या बोला कि जो भी गुरुज हैं उनको क्या करना होगा, उन्हें पीरियोडिकली रिपोर्ट्स सबमिट करनी होंगी गवर्नमेंट को, ठीक है, कि मतलब इतनी एजुकेशन, मतलब इतना सिलेबस बच्चों को पढ़ा दिया गया है, बच्चे इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एक तरीके से प्रॉपर रिकॉर्ड जो है उनको पीरियडिकली गवर्नमेंट को देना था। साथ ही साथ रेगुलर टाइम टेबल के हिसाब से अब उन्हें क्लासेस लेने को कहा जा रहा था। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जो पाठशाला का सिस्टम है वो कैसा था, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, कोई टाइम टेबल वगैरह उस टाइम पे नहीं था, कोई रेगुलर क्लासेस इस तरीके से मतलब रिजिडली नहीं होती थी, वो सब लोकल कंडीशंस पे डिपेंड करता था कि कब क्लास लेनी है, कब क्लास नहीं लेनी। अब मान लो कि एक जगह पे, जैसे मान लो देश के किसी एक कोने में क्या हो रहा है कि फसल कटने का, फसल उगने का समय अलग है, वहीं दूसरे एरिया में कुछ और होगा, तो जो मतलब हर एक एरिया में जब फसल कटेगी उसके हिसाब से छुट्टी दी जाती थी कि जिस महीने में उनके वहां काम चल रहा है उस महीने में उनको छुट्टी दे दी जाएगी, और दूसरे अगर जगह पे किसी और महीने में काम चल रहा है तो उस टाइम पे से छुट्टी दे दी जाएगी। बट जो ये ब्रिटिशर्स वाला सिस्टम था उसके हिसाब से क्या होगा कि सभी लोगों को सभी टाइम, मतलब एक ही टाइम फॉलो करना पड़ेगा कि सब लोगों को छुट्टी मिलेगी, एक ही टाइम पे मिलेगी। अब चाहे किसी की हार्वेस्टिंग हो रही हो नहीं हो रही हो, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं था। तो अब क्या हुआ कि अब रेगुलर टाइम टेबल्स वगैरह सब फॉलो करने पड़ रहे थे गुरुज को कि जैसे पहले 1 घंटे ये पढ़ाना है, फिर दूसरे घंटे ये पढ़ाना है, जैसे आपके टाइम टेबल्स होते हैं, है ना। तो इसी तरीके से अब ये टाइम टेबल्स जो हैं वो गुरुज को पढ़ाने के लिए दिए जा रहे थे कि आपको इसी तरीके से बच्चों को पढ़ाना है।
कोई फ्लेक्सिबिलिटी जो है अब वो अलाउ नहीं की जा रही थी. टीचिंग वॉज नाउ टू बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग वॉज नाउ टू बी टेस्टेड थ्रू अ सिस्टम ऑफ एनुअल एग्जामिनेशन. पाठशाला में क्या हो रहा था कि जो टीचर है वो अपनी नॉलेज ओरली बच्चों को पास ऑन करता था, कि मतलब जो भी उन्हें आता है वो ओरली बोल बोल कर बच्चों को पढ़ा दिया करते थे. कोई बोर्ड का सिस्टम नहीं था, ब्लैक बोर्ड का सिस्टम नहीं था, कोई प्रिंटेड बुक्स का भी सिस्टम नहीं था. बट अब क्या किया, अब इन्होंने टेक्स्ट बुक जो है वो ला दी कि अब आपको टेक्स्ट बुक से बच्चों को पढ़ाना है, बुक्स से पढ़ाना है, जो बुक्स में दिया हुआ है सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आपको बच्चों को पढ़ाना है. और साल के अंत में क्या होगा कि बच्चों का एनुअल एग्जामिनेशन होगा, बच्चों का टेस्ट लिया जाएगा ये देखने के लिए कि आखिर बच्चों ने कितना सीखा. ठीक है, तो एनुअल एग्जामिनेशन पाठशाला सिस्टम में नहीं होते थे, बट नाउ ब्रिटिशर्स आर ट्राइंग टू चेंज दैट वर्निकुलर एजुकेशन एंड दे इम्पोज द एनुअल एग्जामिनेशन. स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू पे अ रेगुलर फी. तो फिर से कंपेयर करो कि हमने जो पाठशाला में पढ़ा था कि उसमें जो फी है वो फिक्स्ड नहीं थी. अगर किसी के पेरेंट्स अमीर हैं तो वो ज्यादा फी पे करते थे, अगर किसी के पेरेंट्स इतना ज्यादा नहीं कमा रहे तो वो कम फी पे करते थे. मतलब कि पेरेंट्स की इनकम पे बच्चे की फी डिपेंड करती थी. बट अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, एक रेगुलर फी जो है वो फिक्स्ड कर दी कि अब आपको इतनी फी हर महीने देनी पड़ेगी. मान लो है ना, हर महीने, हर तीन महीने, जो भी है, रेगुलरली अब उनसे फी मांगी जा रही थी. बच्चों को रेगुलरली क्लासेस अटेंड करने के लिए कंपलसरी कर दिया गया था कि आपको रेगुलरली क्लासेस अटेंड करनी है. उनको फिक्स्ड सीट दे दी थी कि हर एक बच्चे को उसकी जगह बता दी थी कि आपको यहाँ बैठना है, आपको यहाँ बैठना है ना. एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन. और जो भी ब्रिटिशर्स ने नए रूल्स लाए थे स्कूल्स के लिए डिसिप्लिन वाले फॉलो करने के लिए, वो लोगों को बोला जा रहा था, बच्चों को बोला जा रहा था कि आपको ये जो रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं. पाठशालाज विच एक्सेप्टेड द न्यू रूल्स वर सपोर्टेड थ्रू गवर्नमेंट ग्रांट्स. अब जिन पाठशालाओं ने ये नए रूल फॉलो कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए, मतलब कि जैसा गवर्नमेंट कह रही थी वैसा करते गए, तो उन लोगों को तो गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया. ग्रांट मतलब कुछ पैसा जो है वो सपोर्ट करने के लिए दिया. दोज हु वर अनविलिंग टू वर्क विद इन द न्यू सिस्टम रिसीव्ड नो गवर्नमेंट सपोर्ट. और जिन लोगों ने, जिन पाठशालाओं ने नए रूल्स को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्हें फॉलो नहीं किया, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट, कोई पैसा जो है नहीं मिला. Over time, gurus who wanted to retain their independence found it difficult to compete with government-aided and regulated parchalas. और धीरे धीरे क्या हुआ कि ऐसे gurus जो इन नए rules को follow नहीं करना चाहते थे, जो अपनी independence को बनाए रखना चाहते थे, कि मतलब कि जो gurus ऐसा चाहते थे कि हम अपने हिसाब से, बच्चों की needs के हिसाब से, अपनी local needs के हिसाब से बच्चों को पढ़ाएं, जो independently पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, तो वो लोग जो हैं वो ऐसे gurus बहुत ही मुश्किल पा रहे थे अपने आप को उन पाठशाला से कम्पीट करने में जो कि गवर्नमेंट द्वारा एड की जा रही थी. मतलब कुछ पाठशाला ऐसी थी जो कि गवर्नमेंट की सारी बातें फॉलो कर रही थी, तो उन्हें पैसा मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से और ज़्यादा आगे बढ़ने के लिए. अब क्योंकि उन पाठशालाओं को पैसा मिल रहा है तो वो आगे डेवलप करेंगी, बट क्योंकि ऐसे गुरुज जो ब्रिटिशर्स की बात नहीं मान रहे थे, उन्हें कोई पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो कम्पीट नहीं कर पा रही थी ये सपोर्ट वाली पाठशाला से. द न्यू रूल्स एंड रूटीन्स हैड अनदर कॉन्सिक्वेंस. अब इन नए रूल और रूटीन्स का एक और पहलू जो है वो हमें देखने मिला. इन द अर्लियर सिस्टम चिल्ड्रन फ्रॉम पुअर पेजेंट फैमिलीज हैड बीन एबल टू गो टू पाठशालास. जो पाठशाला वाला सिस्टम था, जो पुराना सिस्टम था, उसमें जो पेजेंट फैमिली के थे, जो किसान के बच्चे थे, जो गरीब घर के बच्चे थे, वो भी अपने बच्चों को पढ़ा पा रहे थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फिक्स फी वॉज नॉट फिक्स्ड, एंड सेकेंडली दे वर यूज टू गेट हॉलीडे ड्यूरिंग द बिजी सीजन, ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन. बट क्योंकि अब एक फिक्स्ड सिस्टम ब्रिटिशर्स ने इम्पोज कर दिया था कि इसी तरीके से स्कूल चलेंगे, तो उनमें बच्चों को लोकल नीड्स के हिसाब से छुट्टी नहीं मिल रही थी. सिंस द टाइम टेबल वॉज फ्लेक्सीबल, तो ये बात की जा रही है कि पुराने टाइम में जो एजुकेशन सिस्टम था वो फ्लेक्सीबल था, और इस वजह से जो पुअर पेजेंट फैमिलीज के बच्चे हैं वो भी पाठशाला जा पा रहे थे. द डिसिप्लिन ऑफ द न्यू सिस्टम डिमांडेड रेगुलर अटेंडेंस. बट अब ब्रिटिशर्स ने जो नया सिस्टम इम्पोज किया था उसकी वजह से क्या हुआ था कि सभी बच्चों को कहा जा रहा था कि आपको रेगुलरली स्कूल जो है, पाठशालाएं वो अटेंड करनी है, इवन ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम व्हेन चिल्ड्रन ऑफ पुअर फैमिलीज हैड टू वर्क इन द फील्ड्स. कि बच्चों को बोला जा रहा था कुछ भी हो चाहे आपको स्कूल जो है वो रेगुलरली आना है. मतलब कि जो पुअर फैमिली के बच्चे, जो कि हार्वेस्ट के टाइम पे जिन्हें अपने पेरेंट्स के साथ खेतों में काम करने जाना पड़ता था, तो उनको भी बोला जा रहा था कि आपको हार्वेस्ट वाले टाइम पे भी, चाहे कुछ भी हो, आपको तो स्कूल आना है. मतलब कि उन्हें हार्वेस्ट वाले टाइम के लिए छुट्टी नहीं दी जा रही थी. बट बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था कि वो अपने पेरेंट्स की हेल्प करें खेतों में, क्योंकि जब खेतों में काम होगा तभी तो उनके पेट भर पाएंगे, तभी तो खाना बन पाएगा, है ना. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि वो बच्चे खेतों में भी जाके काम करें, बट वो बच्चे पढ़ना भी चाहते थे.
पर अब ब्रिटिशर्स जो हैं वो उन्हें हार्वेस्ट वाले टाइम पे छुट्टी नहीं दे रहे थे, तो इसलिए बच्चे जो हैं वो हार्वेस्ट वाले टाइम पे स्कूल को मिस कर दिया करते थे, वो पाठशाला नहीं जा पाते थे, उनकी मजबूरी हो गई थी। भले ही बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट वो फिर भी अपनी क्लासेस मिस करने पर मजबूर थे। इनएबिलिटी टू अटेंड स्कूल केम टू बी सीन एज इनडिसिप्लिन एज एविडेंस ऑफ द लैक ऑफ डिजायर टू लर्न। अब ब्रिटिशर्स क्या कहते थे, बच्चे जो कि रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये एक इनडिसिप्लिन है, कि मतलब आप डिसिप्लिन में नहीं हो, और इससे ये पता चलता है कि आप जो है वो पढ़ना ही नहीं चाहते। तो ब्रिटिशर्स कह रहे थे कि अगर कोई बच्चा जो है वो रेगुलरली स्कूल अटेंड नहीं करता है, अगर वो एबसेंट होता है रेगुलरली क्लास में, तो उसका मतलब क्या है कि दैट चाइल्ड डजंट वॉन्ट टू लर्न। बट इन लोगों ने दूसरे पहलू पे सोचा नहीं कि बच्चा जो है वो पढ़ना तो चाहता है बट उसकी मजबूरी ऐसी हो गई है कि उसे खेतों में काम करना पड़ रहा है, उसे अपनी क्लासेस मिस करनी पड़ रही है। तो इन लोगों ने, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी, बहुत ही रिजिड सिस्टम जो है वो उन्होंने बनाया, सब कुछ टाइम टेबल वगैरह फिक्स कर दिया, करिकुलम फिक्स कर दिया, टेक्स्ट बुक फिक्स कर दी, ऐसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाना है, तो सब कुछ जो है वो बहुत ही फिक्स कर दिया, रिजिड कर दिया, फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो अब नहीं बची थी। और ऐसे गुरुज जो कि थोड़ा फ्लेक्सिबल होकर बच्चों को पढ़ाना चाहते थे, अपनी इंडिपेंडेंस रिटेन करना भी चाहते थे, बट वो भी ज़्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं कर पाए, क्योंकि वो ऐसे पाठशालाएं जिनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली अब क्या हुआ कि ऐसे बच्चे जो भले ही पढ़ना चाह रहे थे, वो लोगों को अपनी मजबूरी में आके क्लासेस मिस करनी पड़ रही थी। और इससे क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा तबका, क्योंकि उस पर उस टाइम पे बहुत बड़ा ऐसा चंक था पॉपुलेशन का जो कि उतनी वेल ऑफ फैमिली से नहीं था, जो बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ हार्वेस्टिंग के टाइम पे काम करवाते थे। और उस टाइम पे क्या हुआ, मतलब कि अगर इतने सारे बच्चे स्कूल मिस करेंगे और उसे एक इनडिसिप्लिन की तरह देखा जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हुआ, वो बच्चे जो हैं अपनी एजुकेशन को एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे थे अपने पेट भरने के लिए। सो नाउ देयर इज एन आर्टिकल अबाउट श्री अरबिंदो घोष एंड व्हाट ही थॉट अबाउट द एजुकेशन। तो अरबिंदो घोष जो हैं वो एक इंडियन फिलोसोफर थे, योगी थे, पोएट थे, गुरु थे, तो मतलब काफ़ी एक जानी मानी हस्ती थे और एक इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे इंडिया के लिए। इन अ स्पीच डिलीवर्ड ऑन January 15, 1908 इन बॉम्बे, अरबिंदो घोष स्टेटेड दैट द गोल ऑफ नेशनल एजुकेशन वॉज टू अवेकन द स्पिरिट ऑफ नेशनैलिटी अमंग द स्टूडेंट्स। तो 1908 में 15 जनवरी को जो अरबिंदो घोष हैं वो बॉम्बे में एक भाषण दे रहे थे, स्पीच दे रहे थे। तो उस टाइम पे वो कहते हैं अपने स्पीच में कि नेशनल एजुकेशन का जो गोल है वो क्या है, कि वो बच्चों के बीच में नेशनलिज्म की जो स्पिरिट है, अपने देश के प्रति जो रिस्पेक्ट है, जो राष्ट्रभक्ति जो बच्चों में है, वो जगाना एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट गोल है एजुकेशन का। दिस रिक्वायर्ड अ कंटेम्पलेशन ऑफ द हीरोइक डीड्स ऑफ आर एंसेस्टर्स। और अगर बच्चों को अपने देश के प्रति, उन्हें देशभक्त बनाना है, उन्हें लॉयल बनाना है अपने देश के प्रति, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बच्चों को हमारे एंसेस्टर्स की, हमारे पूर्वजों ने जो बहुत ही हीरोइक काम किए हैं, बड़े बड़े काम किए हैं, उनके बारे में हमें बच्चों को बताना होगा, ताकि बच्चे ये जान पाएं कि किस तरीके से उनके पूर्वजों ने कितने महान काम किए हैं और उस वजह से उनके लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ा है, ताकि वो बच्चे जो हैं उन एंसेस्टर्स की डीड से मोटिवेशन ले। द एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड इन द वर्निकुलर सो एज टू रीच द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल। और जो अरबिंदो घोष हैं वो कहते हैं कि बच्चों को जो एजुकेशन है वो उनकी वर्निकुलर में देनी चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज में देनी चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशन प्रोवाइड करा सकें। क्योंकि हमें पता है हाउ डाइवर्स इंडिया इज़, हर एक जो स्टेट है, हर एक जो जगह है, वहाँ पे अलग तरीके का कल्चर, अलग तरीके की भाषा जो है वो बोली जाती है। अब क्योंकि सभी तरह के जो लोग हैं वो एक कॉमन लैंग्वेज को उतने बड़े लेवल पे नहीं जानते। आप देखोगे आज एक ऐसा टाइम है जिसमें कि काफ़ी सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग हिंदी जानते हैं, इंग्लिश जानते हैं, बट उस टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं था। उस टाइम पे जो है इतने ज़्यादा लोग जो हैं एक कॉमन लैंग्वेज को नहीं जानते थे। तो उस वजह से कि अगर आप एक कॉमन लैंग्वेज फिर इम्पोज कर देते हो बच्चों पे, तो बच्चे उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। और भले ही बच्चों को लैंग्वेज आती भी है, तो आज भी आप देखोगे कि जो बात आप इंग्लिश में बोलते हो ना, उसमें उतना मज़ा नहीं होता। अगर आप किसी बात को कहते हो तो उसको आपको जो मज़ा आता है, फील आता है ना, वो तो अपनी भाषा में ही बोल के आता है, अब आपकी भाषा कोई भी हो, है ना। तो उससे क्या होता है कि बच्चे कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक एजुकेशन पहुँचानी है, तो वो कहते हैं कि उन्हें वर्निकुलर में पढ़ाई जानी चाहिए, उनकी लोकल लैंग्वेज में उनको एजुकेशन दी जानी चाहिए। अरबिंदो घोष एम्फेसाइज्ड दैट ऑल्दो द स्टूडेंट शुड रिमेन कनेक्टेड टू देयर ओन रूट्स, दे शुड ऑल्सो टेक द फुलेस्ट एडवांटेज ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड वेस्टर्न एक्सपेरिमेंट्स इन पॉपुलर गवर्नमेंट।
तो फिर अरबिंदो घोष कहते हैं कि ये बात तो सच है कि बच्चों को अपनी रूट्स से जुड़ा रहना चाहिए, उनकी जो जड़ें हैं, उनकी जो मातृभूमि है, उनके जो कल्चर हैं, उनसे तो बच्चों को जुड़ा रहना चाहिए, बट साथ ही साथ उन्हें उन चीज़ों के भी जो साइंटिफिक डिस्कवरीज ये वेस्टर्न वर्ल्ड वगैरह बना रहा है उससे भी एडवांटेज लेनी चाहिए, उसकी शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए। मतलब दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए कि बच्चे अपनी रूट्स को भी पकड़ के रखें, बच्चे अपने कल्चर को भी समझें, उसका भी एक तरीके से पूरा रिस्पेक्ट करें, और साथ ही साथ जो मॉडर्न डिस्कवरीज हो रही हैं, जो साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में नए नए एक्सपेरिमेंट्स, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उनके बारे में भी बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। मोर ओवर द स्टूडेंट शुड ऑल्सो लर्न सम यूजफुल क्राफ्ट सो दैट दे कुड बी एबल टू फाइंड सम मॉडरेटली रेम्यूनरेटिव एम्प्लॉयमेंट आफ्टर लिविंग द स्कूल। वो ऐसा भी कहते हैं कि बच्चों को अपने स्कूल टाइम पे ही कुछ ऐसी स्किल, कुछ ऐसा क्राफ्ट सीख लेना चाहिए ताकि जब उनकी शिक्षा खत्म हो जाए, जब उनका स्कूल जो है वो खत्म हो जाए, तो उसके बाद वो एक अच्छी नौकरी जो है वो पा सकें। मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है नौकरी पाने के लिए, यू शुड हैव सम स्किल, कोई भी स्किल जो है वो आपके पास होनी चाहिए। मान लो अगर आप आज के वर्ल्ड में देखो तो आपके पास किसी भी तरह की स्किल होनी चाहिए, भले आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, मान लो आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, है ना, आपकी कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो आपको किसी जैसे आईटी सेक्टर में जॉब मिल जाएगी। तो आपकी कोई ना कोई स्किल जो है आप में होनी चाहिए, तभी जाके आपको कोई काम मिलेगा। अगर आप में कोई स्किल नहीं है, आपको कोई भी काम ढंग से नहीं आता, तो फिर तो आप घर पे ही बैठ सकते हो, राइट। तो वही उन्होंने एम्फेसाइज किया कि पर्सन शुड गेन सम स्किल्स, सम एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एरिया सो दैट दैट पर्सन कैन फाइंड सम जॉब आफ्टर द स्कूल। इतना तो वो कमा ले कि अपना पेट भर ले उस स्किल के बेसिस पे। तो इसीलिए आज भी आप देखोगे कि इंडिया में क्या हो रहा है कि स्किल डेवलपमेंट में कितना फोकस किया जा रहा है। जैसे आपने सुना होगा PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, तो स्किल डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अब लोगों को कोई ना कोई स्किल जो है वो सिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो कम हो सके, लोग अगर स्किल्ड होंगे तो वो अपने लेवल पे भी कोई ना कोई काम जो है, कोई ना कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसीलिए आप भी अभी स्कूल में हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है, सारे सब्जेक्ट्स अच्छे से पढ़ो, अपना इंटरेस्ट फाइंड करो किसमें सबसे ज्यादा मजा आता है, और फिर उस चीज में आप अपना और ज्यादा एक्सपर्टीज करो, और ज्यादा उस चीज पे पढ़ो, फोकस करो, और कोई ना कोई स्किल जो है वो आप गेन करो, ताकि जब आप स्कूल से निकलोगे तो आप सबसे पहले तो ये डिसाइड कर पाओ कि आपको अपनी हायर एजुकेशन, अपनी ग्रेजुएशन वगैरह किसमें करनी है, और वो भी नहीं तो एटलीस्ट आपके सामने ये होगा कि हाँ भाई मैं ये काम तो कर लूंगा और अपना पेट भर लूंगा। तो अभी से आपको इस चीज पे फोकस करना होगा कि आपको क्या पसंद है और ऐसी क्या चीज है जिसमें आप बहुत अच्छा कर सकते हो, और उसी पे आपको फोकस करना है, राइट। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस सेक्शन कि किस तरीके से जो अंग्रेज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उन्होंने हमारे एजुकेशन सिस्टम में, जो प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम था, उसमें भी चेंजेस लाने स्टार्ट कर दिए थे।